दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच जीता भारत, लेकिन 5 विकेट लेकर कमर तोड़ गेंदबाजी से मैन ऑफ द मैच बने मोहम्मद शमी, लेकिन अपना अवार्ड लेकर सीधा थमा दिया सूर्य कुमार के हाथों में और फिर जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, शमी की दरिया दिली का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, गिल और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला मोहाली स्थित IS बिंद्रा स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 10 विकेट गंवाकर इस मैदान पर 276 रन बनाए और भारत के आगे लक्ष्य रख दिया 277 रन का। वहीं हम आपको बता दें कि जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने यहां पारी को संभाल लिया था तो इन दोनों बल्लेबाजों के बाद मार्नस लाबुशेन ने 39, कैमरून ग्रीन ने 31, जॉश इंग्लिस ने 45 रन मात्र बनाए, लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई मोहम्मद शमी के आगे नजर आई और शमी ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। तो वहीं जसप्रीत बुमराह, अश्विन और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय टीम की इस मैदान पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके मैच आसानी से जीत लेने की। अब ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए यहां 142 रन की साझेदारी कर डाली। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक जड़ने की राह पर आगे बढ़ चले। लेकिन दोस्तों, यहां पर किसी को क्या ही पता था कि ऋतुराज गायकवाड़ आज के मैच में अपना शतक पूरा नहीं कर पाएंगे और 71 रन बनाकर उनकी पारी यहीं समाप्त हुई, जहां एडम जाम्पा ने उनको LBW बोल्ड आउट कर दिया। तो ऐसे में गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद उतरे श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही अय्यर को शुभमन गिल ने रन आउट करवा दिया और 3 रन की पारी अय्यर की भी यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों, ये दो बड़े झटके भारतीय टीम को लग जाने के बाद अब टीम इंडिया काफी ज्यादा दबाव में थी। भारत को चाहिए था कि अब कोई बल्लेबाज शुभमन गिल का साथ निभाए और दोनों मिलकर पारी को आगे बढ़ाकर भारतीय टीम को जीत दिलवाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शुभमन गिल भी, जो कि अपने शतक के नजदीक पहुंचने तो वाले थे, लेकिन 74 रन बनाकर एडम जाम्पा का शिकार बने और बोल्ड आउट हो गए और फिर ईशान किशन ने 18 रन बनाए, लेकिन KL राहुल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर भारतीय टीम को जीत के नजदीक पहुंचाया और इस दौरान KL राहुल ने 63 गेंदों में 58 रन बनाई और इन्हीं की पारी की बदौलत भारत आज इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत पाया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 50 रन बनाए। हालांकि दोस्तों, इस मैच में 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, लेकिन दोस्तों, यहां पर मोहम्मद शमी ने यह अवार्ड लेने से खुद इनकार कर दिया और उन्होंने यह अवार्ड सूर्य कुमार यादव के हाथों में थमाया। जी हां दोस्तों, यहां पर सूर्य कुमार यादव को अपना अवार्ड और इनामी चेक दे देने के बाद मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। यहां पर शमी कहते हैं कि मेरे हिसाब से इस अवार्ड का असली हकदार हमारी टीम का बल्लेबाज सूर्य कुमार है, क्योंकि उसने उस वक्त KL राहुल का साथ निभाया जब हमारी पूरी टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती जा रही थी। मैं मानता हूं कि ऋतुराज और गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जब मुश्किल वक्त टीम इंडिया का शुरू हुआ तब श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और ये दोनों भी आउट हो गए थे। तब KL राहुल और सूर्य कुमार अगर मैदान पर ना होते तो शायद मैच हम जीत नहीं पाते। सूर्य कुमार की वजह से हम इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। जो उसने 50 रन आज मारे वो उसके साल 2023 में पहला अर्धशतक है और हम सभी जानते हैं कि वो काफी लंबे समय से फॉर्म में नहीं चल रहा है और सूर्य की ऐसी बल्लेबाजी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव है और ये अवार्ड मैं उसी को देना चाहूंगा और शायद इस अवार्ड से उसका मनोबल भी बढ़े, क्योंकि उसको अब वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में वापस आना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद शमी ने ऐसा कहते से ही करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि मोहम्मद शमी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।